देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को देखकर यह साफ जाहिर होता है। आम जनता कह रही है कि उन पर महंगाई की दोगुनी मार है। अगर गैस महंगी कर देंगे तो खाना पकाना भी अब मुश्किल होगा। पर क्या आप जानते हैं कि गैस स्टोव इंसानों के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और इसलिए अमेरिका गैस स्टोव के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। पर इस बीच इंटरनेट पर भी इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या गैस स्टोव हमारे लिए हानिकारक है और क्या अमेरिकी सरकार गैस स्टोव को बैन कर देगी। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। वैज्ञानिक पहले भी कहते आए हैं कि खाना बनाने वाला गैस स्टोव ऐसे प्रदूषण फैलाने वाला उत्सर्जन करता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में अमेरिका के CPSC के कमिश्नर रिचर्ड ट्रुमका जूनियर ने कहा था कि गैस चूल्हे पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि ये छुपा हुआ खतरा है जो सामने से दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इससे होने वाले दूसरे नुकसानों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी उत्पाद के इस्तेमाल की छूट नहीं दे सकते जो सुरक्षित ना हो। असल में गैस स्टोव के इस्तेमाल से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को और महिलाओं को होता है और इस पर वैज्ञानिकों और कुछ विशेषज्ञों ने काफी कुछ कहा है। ड्रेक्सल विश्वविद्यालय में पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रोफेसर जोशिया केफर्ड के अनुसार गैस स्टोव प्राकृतिक गैस को जलाते हैं, इससे कई अदृश्य बाय प्रोडक्ट पैदा होते हैं। उनके मुताबिक मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चिंता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्राकृतिक गैस को उच्च तापमान पर जलाने पर एक गैस बनती है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्वास्थ्य पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। वहीं WHO के अनुसार गैस चूल्हा जलाने पर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर वातावरण में आ जाते हैं जो कि पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक होते हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हे के मुकाबले गैस चूल्हे पर खाना बनाने पर 2.5 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर पैदा होते हैं। इसके चलते जहरीली गैसें हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी से जुड़ी सिस्टम को समस्याएं पैदा करती हैं। यही नहीं, इससे दिल से जुड़ी बीमारियों के साथ ही कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है। रिसर्च में पता चला है कि बिना जली नेचुरल गैस लीक होने पर बेंजीन बनाती है। इसके साथ ही गैस स्टोव जलाने पर PM2.5 भी पैदा होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं को पैदा करते हैं। साल 1992 में जब रिसर्च की गई तो ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि गैस स्टोव से निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से बच्चों में रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याएं और बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। साल 2013 में 41 रिसर्च आई जिनमें पाया गया कि गैस से खाना पकाने से बच्चों में अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ एक अध्ययन में पाया गया कि US में बचपन में ही अस्थमा के 12.7% मामलों को गैस स्टोव के उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम गैस स्टोव के बजाय बिजली से चलने वाले स्टोव का इस्तेमाल करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इसे महंगा होने के कारण नहीं खरीद सकते तो गैस स्टोव के ऊपर चिमनी जरूर लगवाएं। इसके अलावा गैस का इस्तेमाल करते समय एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें जिससे कि आप इन जहरीली गैसों से बच सकेंगे। आप देख रहे थे सरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें सरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।